भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को केंद्र सरकार ने वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को आजाद ने अपनी जान को खतरा होने का हवाला देते हुए पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। अब चंद्रशेखर आजाद CRPF के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। इतना ही नहीं, राज्यसभा चुनावों के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले कुछ नेताओं को भी केंद्र सरकार ने सुरक्षा प्रदान की है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जून 2023 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले से उनके समर्थकों में काफी रोष था। समर्थक लगातार केंद्र सरकार से आजाद को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर रहे थे। इसके लिए कई बार उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। इस मामले में चंद्रशेखर ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा से अपना नॉमिनेशन भरा है। एक निजी चैनल से विशेष बातचीत में सिक्योरिटी के मुद्दे पर उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे थे। आजाद ने इस दौरान कहा था कि अगर आकाश आनंद को सुरक्षा दी जा सकती है तो उन्हें क्यों नहीं दी जा रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वो इस विषय में गृह मंत्रालय को लिखित में सूचना दे चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से पर्चा भरा है। यहाँ से BSP से सुरेंद्र पाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं BJP से ओम कुमार पर भरोसा दिखाया है। पर्चा भरने से पहले ही चंद्रशेखर इस क्षेत्र में काफी एक्टिव हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सुरक्षा मिलने के बाद चंद्रशेखर लगातार सुरक्षा के घेरे में रहेंगे।